हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। पूरी उम्र हम एक ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें लगातार हम खुद ही हार रहे होते हैं, क्योंकि उस गेम को जीतना हर किसी के बस की बात भी नहीं। नाम है ब्लेम गेम। मैं बहुत हर्ट हूँ क्योंकि वो मुझे हर्ट करते हैं। सब कुछ अच्छा ही करती हूँ, फिर भी कभी मुँह पे तो कभी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। क्या करूँ कि लोग मुझे हर्ट करना बंद कर दें? क्या करूं कि सब मुझसे खुश रहें? ये सब सवाल ना जाने कितनी बार कभी हम खुद से तो कभी दूसरों से पूछते हैं, लेकिन ऐसे सवालों का सिलसिला तब तक चलता ही रहेगा जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि लाइफ एक मिक्सचर है डिफरेंट इमोशंस, सिचुएशंस और लोगों का। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हर्ट करने और होने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और एक दूसरे पे हर्ट करने के ब्लेम्स लगाते लगाते अपना एग्रेशन, इमोशंस और स्ट्रेंथ सब हार जाते हैं। कैसी होगी वो ज़िंदगी जिसमें हमें वो सब मिले जो हम चाहते हैं? पैसों की कोई कमी ना हो, वही लोग हमारी ज़िंदगी में हों जो हमें सिर्फ प्यार करते हैं, कभी भी हमारे बारे में कोई बुरा कहता ही नहीं। आई थिंक बहुत बोरिंग होगी ऐसी लाइफ। और सच में सब कुछ इसी तरह से चलता रहे तो कुछ चीज़ों की कीमत हमें कभी पता भी नहीं चलेगी। हम रोते हैं तो हंसने की वैल्यू, बिछड़ते हैं तो मिलने की वैल्यू, और कुछ खोते हैं तो उसे पाने की वैल्यू समझ में आती है। और तो और, प्यार की वैल्यू भी नाराज़गी के बाद ही समझ में आती है। ऐसा नहीं होता तो उस नेचर ने ये डिफरेंट इमोशंस हमें दिए ही नहीं होते। एनीवेज, इतना तो समझ में आ ही गया कि ये चीज़ हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि लाइफ में कभी कोई ऐसी स्टेज भी आएगी जब लोग हमें हर्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, ऐसी स्टेज ज़रूर आ सकती है जब हम हर्ट होना बंद हो जाएंगे, और वो वक्त तभी शुरू हो जाएगा जब हम चाहेंगे। और सच माने ये बस कहने भर की बात नहीं है, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हर्ट करने वालों को जो रोल मिला है वो उसी को प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे ही हमें हर्ट करते हैं, कभी ना कभी जाने अनजाने हम भी तो कभी किसी को हर्ट कर देते होंगे। लेकिन बात वही है दैट वी आर प्लेइंग अ ब्लेम गेम, और उंगली हमेशा दूसरों पे ही उठती है। जब कोई इंटेंशनली अपने हार्श वर्ड से बार बार किसी को हर्ट करने की कोशिश करता है तो एक चीज़ तो क्लियर हो ही जाती है कि वो पर्सन मेंटली बहुत वीक है, क्योंकि जो पावरफुल हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, वो कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते। सामने वाला तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि उसकी एनर्जी लो है, फिर भी उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टाइम तक मैं खुद पर होने देती हूँ, तो ये टोटली मेरा ही फॉल्ट है। मुझे समझ जाना चाहिए कि सामने वाला बीमार है, और कई लोगों की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि वो रिलेशनशिप्स और ईगो में से ईगो को ही चूज़ करना बेटर समझते हैं। अब ऐसे लोगों पे अग्रेशन दिखा के हम अपनी एनर्जी ही तो डिप्लीट करते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें कभी कुछ समझ में आएगा और ना ही वो समझना ही चाहेंगे। इग्नोर करें और उन पर तरस खाएं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी को पकड़े हुए हैं जो धीरे धीरे उन्हें सब रिश्तों से दूर कर देगी, फिजिकली नहीं तो मेंटली, क्योंकि ये लोग दिल से दिल तक जाने वाली वायर ही काट देते हैं। महात्मा गांधी जी का एक कोट, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, हर उस सवाल का जवाब है जो हम बार बार पूछते हैं कि लोग हमें हर्ट क्यों करते हैं। कुछ लोग दूसरों को हर्ट करने के लिए उन पे जोक्स भी क्रैक करते हैं, बेशक ये भी हर्ट करने की एक फॉर्म ही है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने की बजाय कि वो अपने माइंडसेट का लेवल दिखा रहे हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। याद रखें, आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो बहुत जेलस हैं, और खुद को खुश रखने के लिए और कोई रास्ता उन्हें नज़र आ नहीं रहा। कभी अपने एक्शंस, वर्ड्स, बिहेवियर और कभी जोक्स के थ्रू लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं, यानी कि हर्ट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन एक ही है। खुद का माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर लो कि ये चीज़ें एक खूबसूरत ज़िंदगी के मुकाबले आपको बहुत छोटी सी लगें। इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाएं कि अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो खुद ही शेम फील करे, उसे गिल्ट हो कि उसने ऐसा क्यों किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के हार्श बोलने पे आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, वाओ आपने इतना मीठा बोलना कहाँ से सीखा, या फिर क्लैप करके कहें वाओ क्या प्रेजेंटेशन है, या फिर आपकी बातों से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, कीप इट अप, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर उनकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुई तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपने भी ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज़ करके किसी के बिहेवियर में चेंज लाया है तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। बाकी अपने सिवा आप किसी को चेंज नहीं कर सकते,
इससे बड़ा कोई सच नहीं है। अगर खुद की थॉट्स को चेंज करना, खुद पे कंट्रोल करना ही डिफ़िकल्ट लगता है तो जवाब आपके सामने है। दूसरों को चेंज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जो बार बार आपको हर्ट करते हैं। छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार वो दीवार के साथ भी टकरा जाता है, बट उसे पता चल जाता है कि यहाँ टकराने से चोट लगती है। और हमें भी पता होता है कि इस पर्सन से इस टॉपिक पे बात करना हमें हर्ट करता है, तो खुद को चोट पहुँचाने के लिए हम वहीं टकराते रहें और ब्लेम दूसरों को करते रहें तो उसमें क्या लॉजिक है। लोगों के साथ साथ कई बार सिचुएशंस भी हमें बहुत हर्ट करती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। तो अब यहाँ आप किसे ब्लेम करेंगे, क्योंकि 80% चीज़ें तो हमारे हाथ में है ही नहीं। यूनिवर्स सब कुछ बैलेंस करके चलता है। हो सकता है कि हम कितने पेशेंट हैं, कितने स्ट्रांग हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही हो। सिचुएशन कोई भी हो, टाइम चेंज होता है तो कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं। कई बार सिचुएशन को चेंज करना हमारे हाथ में भी होता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो और कोशिश करने पे भी आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, देन वेट एंड वॉच। जो आपके लिए सही होगा वही होगा। जो आपके पास है उसका थैंक्स करें, और जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच सोच के खुद को हर्ट ना करते रहें। हम किस घर में पैदा होंगे, किन लोगों के साथ रहेंगे, बेशक ये हमारी चॉइस नहीं है, लेकिन क्या बाकी लोग जहाँ भी रहते हैं क्या वहाँ पे वो 100% खुश रहते हैं? किसी ना किसी से कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। इसका मतलब यही हुआ कि खुशी किसी सिचुएशन, मटेरियल या लोग हमें नहीं देते। हम खुद खुश होना चाहें तो कोई हमें दुखी कर भी नहीं सकता। बस आपको डील करना आना चाहिए। लाइफ में आप जहाँ भी हैं सेटिस्फाई होना सीखें, और जिस दिन ये हुनर आ गया आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूँ। लोगों की बातें, घर के झगड़े बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने के लिए खुद को चैलेंज करें ताकि ज़िंदगी के मायने ही बदल जाएं। जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। कितनी बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं, और ज़िंदा लोग ही कभी खुश तो कभी हर्ट हो सकते हैं। और मैं खुद ही वो शख्स हूँ जो हमेशा खुद को खुश रख सकता है, और जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे हर्ट भी नहीं कर सकता। तो चलिए इस लेसन के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।